जी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करेंगे दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि हरियाणा में सरकार का गठन हो चुका है और इसी कड़ी में कल सभी मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस मंत्री को कौन सा विभाग आवंटित हुआ है। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को, कुल 13 विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं होम फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल, प्लानिंग एक्साइज एंड टैक्सेशन, टाउन कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन एस्टेट, इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशन, लैंग्वेज एंड कल्चर। इसके अलावा बाकी भी जो डिपार्टमेंट है वो आप देख सकते हैं, कुल 13 डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। श्री अनिल विज को एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और लेबर, ये डिपार्टमेंट दिया गया है। इससे पहले वो स्वास्थ्य मंत्री थे दूसरे कार्यकाल में बीजेपी के, लेकिन अब उनको ऊर्जा और परिवहन मंत्री बनाया गया है। श्री कृष्ण लाल पंवार जो है उनको डेवलपमेंट एंड पंचायत, माइंस एंड जियोलॉजी, ये विभाग दिया गया है। उसके बाद श्री राव नरबीर सिंह उनको इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेन कोऑपरेशन, सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर, ये डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है। श्री महिपाल डांडा को शिक्षा मंत्री बनाया गया है हरियाणा का। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा। शिक्षा मंत्री जो है वो श्री महिपाल डांडा को हायर एजुकेशन, आर्काइव और पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये डिपार्टमेंट दिया गया है। श्री विपुल गोयल को रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज और सिविल एविएशन दिया गया है। श्री अरविंद कुमार शर्मा को कोऑपरेशन, जेल्स, इलेक्शंस एंड हेरिटेज टूरिज्म, ये विभाग दिया गया है। इसके अलावा श्री श्याम सिंह राणा को एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज दिया गया है। श्री रणवीर गंगवा को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पब्लिक वर्क्स, बिल्डिंग एंड रोड्स, श्री कृष्ण कुमार को सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, SCBC, अंत्योदय, हॉस्पिटलिटी और आर्किटेक्चर, ये विभाग दिया गया है। श्रीमती श्रुति चौधरी को वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज दिया गया है। आरती सिंह राव को हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, आयुष का जो विभाग है दिया गया है, यानी जो स्वास्थ्य मंत्री है वो मिस आरती सिंह राव को बनाया गया है। श्री राजेश नागर को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फूड, सिविल सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट दिया गया है। इसके अलावा श्री गौरव गौतम मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री बनाया गया है, इनको यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्राइजेज, स्पोर्ट्स, लॉ एंड लेजिस्लेटिव, ये जो डिपार्टमेंट है वो अलॉट किए गए हैं। तो कुल मिलाकर सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों का जो बंटवारा है वो कर दिया गया है। पिछले कार्यकाल में कुछ जो विभाग जिस मंत्री के पास थे अब उनसे वो लेकर दूसरे मंत्रियों को उनका जो बंटवारा है वो किया गया है। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेंगे। नया शिक्षा मंत्री कौन है, नया स्वास्थ्य मंत्री कौन है और मुख्यमंत्री ने अपने पास किन विभागों को रखा है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।